एक टर्म यूज किया जाता है जो यंग लीडर्स होते हैं उनके लिए, युवा नेता, छात्र नेता। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लड़कियों का इस पर क्या कहना है, जरा इनसे पूछते हैं क्या क्या रीजन है कि यहाँ पर युवा नेता छात्र नेता ज्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ में मतलब यहाँ की हवाओं में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। हर दूसरे लड़के को पॉलिटिक्स का एक भूत होता है, चार लोगों का एक गैंग होता है, पांच लोगों का, छह लोगों का, एज पर देयर चॉइस। उसके बाद एक जो सबसे तेज होता है वो होता है युवा नेता, ठीक है। फिर उसके बाद तो उसका होता है कि हम सबसे ज्यादा दबंग है, चार लोगों को लेके हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे, हम तुम्हारा वो काम करवा देंगे। फिर अपने आप भले नहीं हो पर है कहीं ना कहीं उनका, जब चार पांच का ग्रुप होता है छात्र नेता युवा नेता करके वो लोग आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी थोड़ा उनको समझने लगते हैं। और काम ज्यादातर लड़कों को विधायक ही लड़ना होता है यहाँ, तो चार लोग ऊपर जो ऊंचे पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे तालमेल बैठाना, फिर उसके बाद होता है तुम्हारा ये काम है हम यूं करवा देंगे, फिर वो हो जाते हैं युवा नेता छात्र नेता। अच्छा जी, हर तीस लड़के का ये है कि हमारे चाचा विधायक है, मेरे भैया ये रहे हैं, मेरे भैया नेता रहे हैं। मैम वही चीज़ बोली ही है कि यहाँ की हवाओं में राजनीति है, तो मैम विधायक, किसी के पापा विधायक, किसी के नाना विधायक, किसी के कुछ ना कुछ है ही पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स का एरिया है तो फर्स्ट ईयर में आए, जब एक साल एक महीना दो हुआ तीन महीना हुआ तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसको चार महीने बाद देखिए एकदम शर्ट और चिताने, उनके आगे चला है बंदा, उसके पीछे चार पांच लोग, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में आई इतनी सीधी थी कि एक बेंच से दूसरी बेंच पे उठती नहीं थी, लड़कों के पास बैठती। अब मैं लड़कों के सामने जितने लड़के थे इसमें अकेली लड़की और चिल्ला के वहाँ आई हूँ, पूरा बीसी मुर्दाबाद बीसी होश में आओ, ऑनलाइन हमारी मांगे पूरी करो, मैं अकेले चिल्ला के कोई लड़की शर्मा रही थी, कोई वहाँ पे आई नहीं है, वहाँ पे इधर लड़कों के पीछे केवल मैं थी। अभी बहुत शर्मीली है, ये डर है क्या है ये पता नहीं है, अगर एक लड़की खड़ी तो उल्टा वो लड़कियाँ ही उनका मजाक बना देंगी, अरे गई है क्या मतलब है, दिखा रही है अपना को, खुद को दिखाना चाहती है कि मैं आना चाहती हूँ फ्रंट पेज पे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कियों की, कुछ ना कहीं लड़की भी तो फ्रंट पेज पे ही आना चाहती है, बट लड़कियां मेकअप करके आओ अगर छेड़ जाओ इसके बाद डिस्कशन होने लगा तो बोलेंगे यार खुद यहाँ से बन के आती है, चाहती है कि कोई पीछे इसके चले, कोई इसको छेड़े, ये माइंडसेट है लड़कों का तो खास तौर पे यही बोलते हैं। बट मेरा मानना है कि मैं शायद राजनीति में आऊँ, जैसे बता नहीं कि जो जहाँ से है सबके घर में कोई ना कोई है, तो मेरा भी शायद आने वाले लोग ऐसा ही बोले कि हमारे यहाँ की राजनीति थी, हमारी राजनीति चलती रहे, और यहाँ की ये है जैसे कि कह रही है हवाओं, यहाँ की हवाओं में राजनीति है, तो यहाँ हर लड़के के अंदर दिखेगी, लड़कियों के अंदर बहुत कम दिखती है, जिनके अंदर दिखती है कुछ तो दब जाती हैं, कुछ फैमिली बोल देती है वहाँ जाके ड्रामा मत करना, मत कर बोलना, शांत रहना, और कुछ जैसे कि बोली मैं अकेली खड़ी थी कोई नहीं, जैसे आज अभी भी यहाँ भी देखिए यहाँ लड़कियाँ कम बहुत पढ़ रही होंगी, बट यहाँ मुश्किल से 15 लड़कियाँ दिख रही हैं, यहाँ भी नहीं आई जो कि कॉन्टैक्ट बहुत लड़कियों से किया गया है, आई नहीं है लड़की बुलाया गया जो कि अच्छा, तो कोई लड़का या कोई लड़की नया नया आता है तो वो कैसे युवा नेता बनने का क्या प्रोसेस है, कैसे कोई युवा ये है कि सबसे पहले अपना आउटफिट चेंज करना होता है, अगर हम जीन्स टी शर्ट पे हैं तो सबसे पहले हम कुर्ता पजामा पे आएंगे, उसके बाद तो हम छात्र नेता है, गमछा जरूर होना चाहिए, गमछा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की शान है कि आप गमछे बना, गमछा है गाड़ी होनी चाहिए सफारी जो भी हो, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, तो फिर उसके बाद हम चार लोगों को लेके निकल जाते हैं काम करवाने, तो नहीं पैदल कि पहले आप गमछा जरूर लीजिए कहीं से भी आए पाए, उसके बाद अपने चाल में परिवर्तन लाइए, उसके बाद चलना चलना चाहिए, चिल्लाने का लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट करिए, क्योंकि लोगों को डरवाना, अब मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, अरे दो मिनट में है ये तो मेरा है, जाके काम करवाना। फर्स्ट ईयर में आए थे काउंसलिंग हो रही थी, मेरा वहाँ नाम ले लेना तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, क्या होता है, किसका नाम वहाँ से डांट भगाया जाता है, किसका नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं जानते आपको, तो आप डांट के भगाएंगे लेकिन आपके साथ जो चार लोग खड़े थे उनको कॉन्फिडेंस है कि ये भैया बोले तो सही बोले हैं, सही होगा पक्का है, भले आपको मना कर दिया वहाँ जाके ऑफिस में, और इतने एटीट्यूड से बोल रहे हैं कि हम करवा देंगे, भोकाल के टाइम में इलाहाबाद वैसे भोकाल टाइट रहता है, तो भोकाल ही है, सिर्फ भोकाल है बोलने वाला, भोकाल लड़कियों के अंदर भी थोड़ा बहुत दिखे, लड़कियों के अंदर भी दिखना चाहिए, होना भी चाहिए, सपोर्ट नहीं करती है, चलो हमें ये करना है, अरे छोड़ो बेटा हमारे घर वाले करेंगे, इतना टाइम ले जाता है कि राजनीति में मत पढ़ना वहाँ लड़कियों को बोला जाता है कि राजनीति से दूर होता है कि तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया है, राजनीति के लिए भेजा गया है, छात्र नेता शब्द का इस्तेमाल भी होता है, तो हमें कोई लड़के की इमेज ध्यान में आती है ऐसे, क्यों लड़कियों कभी छात्र नेता शब्द लड़कियों के लिए कुछ कभी प्रयोग ही नहीं हुआ है, और फैमिली भी सोचती है हमारी बिटिया जाएगी थोड़ा आईएएस बनी पीसीएस बनी या कोई छोटी मोटी जॉब पागी शादी कर दिए, उसको सेटल कर दिए, यूपी बिहार में नौकरी 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 बस, और बस उसी पे प्रेशर रहता है स्टार्टिंग से ही, बाबू ये करना है ये करना है, बस लड़की का लड़की ज्यादातर, लेकिन लड़के यहाँ की हवाओं में फिजाओं में बहक जाते हैं, बहक जाते हैं, लेकिन लड़कियों को शाम को कॉल आएगा घर से, बहू पढ़ना है ये नहीं करना वो नहीं करना है, रहना नहीं तो
वही सब है। और करनी ISPCS बनना की फैमिली डिसाइड कर देती तुम्हें यही करना, अगर उनका मन भी करता है तो वो नहीं कर सकते फैमिली की वजह से। ये तो युवा नेता बनने का इन लोगों ने लड़कियों ने बढ़िया बताया कि कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर तीसरा लड़का युवा नेता होता है। लड़कियों में भी दिखे, हाँ युवा नेता होता है और ये लड़कियों में भी दिखे, ये इनका कहना है। लड़कियाँ बैठेंगी 5, हाँ अभी जैसे कोई और फंक्शन होता कुछ होता लड़कियाँ 15 या 20-25 इकट्ठा होती, बट यहाँ से बैठ के बातचीत करती है तो उसको वैसा नहीं माना जाता, उसको पंचायत कर रही है टाइप का, पंचायत करती है क्योंकि माना जाता है लड़कियां सिर्फ चटिया लगाती हैं उस पे, अब फालतू की बातें करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी आप फालतू की बात करें तो वो लड़कियों के सपने ऐसे ही रह जाते हैं, नहीं उनका फिर उनका नेतापा होता है, उनका जो करें वो तगड़ा करेंगे, लेकिन हम लोग अभी देखो लड़की चलते हुए बोल दे किसी को लड़का नेता है बोल सकता है, बट लड़की बोल दे बदतमीज है, कैरेक्टर लेस है, आते जाते कुछ नहीं, फैमिली वाले पता नहीं कैसे सब सब जज करके रख दिया जाएगा वहाँ, लड़कियों के लिए कोई मैटर ही नहीं है। तो इन लड़कियों ने बताया कि आखिर युवा नेता सुनते ही हमारे दिमाग में लड़कों की तस्वीर क्यों आती है और युवा नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बनते कैसे हैं।